चलिए ओके, आई थिंक मैं लाइव आ गया हूँ, है ना? एक बार कंफर्म कर लेते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल, चलिए। यस, अभी मेरे लैपटॉप पे भी विजिबल हो गया है, यानी मैं आप सभी के सामने बिल्कुल लाइव आ चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना? एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। तो हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं हूँ सौरभ, आप सभी लोगों का साइंस फैकल्टी और सभी लोगों का बहुत ही तहे दिल से आज की आपकी दूसरी क्लास में स्वागत करता हूँ, एसएससी सीजीएल की, जो हमने क्लासेस स्टार्ट करी थी। और कल अपना पहला पार्ट था। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे, सर मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो कोई नहीं, धीरे धीरे सभी के पास वीडियो ज़रूर पहुंची होगी कल वाली, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को इन्फॉर्म भी किया था। तो फटाफट आ जाइए और ज्वाइन करिए सेशन को, फिर अपन स्टार्ट करेंगे आज का एमसीक्यू सेशन पार्ट टू। ठीक है, चलिए एक बार मैं थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देता हूँ, और इसके बाद आप लोग सभी लोग ऐड हो जाइएगा, है ना? फिर इसके बाद अपन शानदार ढंग से अपनी क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए, बहुत ही शानदार। तो मैं एक बार थोड़ा सा वीडियो को डाल दिया मैंने ग्रुप पे भी, ठीक है, जिसके पास जो भी बच्चे एक्टिव होंगे उनके पास तक बात पहुंच जाएगी। किरण, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और अपन ने स्टार्ट किया था लास्ट हफ्ते, प्रीवियस ईयर पेपर। मैंने बोला था कि इस हफ्ते मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल आए हुए हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि आप में से जो भी बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं प्रिपरेशन की, या जो प्रिपरेशन अभी अभी करना स्टार्ट करे हैं, तो उनको एक बेटर फील मिलेगा कि कैसा पेपर आता है और आपको कैसा प्रिपरेशन अपनी करनी है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही शानदार है, मैंने अच्छे अच्छे सवाल ले रखे हैं, और आपको रोज मैं 25 सवाल कराऊंगा, उसके साथ में बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो करीब 50 से 60 सवाल हर दिन अपन करेंगे, है ना? और इन 50 से 60 सवालों में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। विनीत, नमस्ते मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया हूँ मैं, है ना? साई तामा, बड़ा बढ़िया सा नाम है आपका। बिल्कुल बढ़िया हूँ मैं, और सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार आ जाओ, है ना, फटाफट चलो स्टार्ट किया जाए। तो एक चीज और है, आरआरबी एनटीपीसी का CVT 2 कोर्स आपका लॉन्च है, रैंक बूस्टर कोर्स है ये, ठीक है। इसमें जम के प्रैक्टिस चल रही है, तो आप अगर इन बैचेस को ज्वाइन करते हैं तो आप सौरभ कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, सौरभ कूपन कोड यूज करने पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा 909 का। और आप कोई भी मॉक टेस्ट अगर बाई करना चाहते हैं, जो कि आपको ऑली बोर्ड से ही करना चाहिए, आपको पता है ऑली बोर्ड के मॉक्स बेस्ट होते हैं, तो मॉक टेस्ट बाय करेंगे तो भी अगर आप सौरभ कूपन कोड का यूज करोगे ना, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको यही कूपन कोड लगाना है, सौरभ सर या सौरभ का, और मॉक टेस्ट के लिए स्पेशली। आप मुझे टेलीग्राम पे साइंस बाई सौरभ सर में ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ, जो भी ये लाइव क्लासेस चल रही हैं, इन सारी लाइव क्लास की पीडीएफ आपको इसी ग्रुप में मिलेगी, साइंस बाई सौरभ सर टेलीग्राम ग्रुप है। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, real.सौरभ के नाम से। और सारे कोर्सेज कभी भी फ्यूचर में, चाहे कितना भी डिस्काउंट रहे, जब आप सौरभ या सौरभ सर कूपन कोड लगा दोगे ना, तो उससे ज्यादा डिस्काउंट कोई और कूपन कोड आपको नहीं देगा। ठीक है, तो आप कोई सा भी कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए पहले सवाल के साथ। ठीक है, सभी लोग आते जा रहे हैं, सर एसएससी सीजीएल के लिए कौन सा कूपन लगाऊं? सौरभ कूपन कोड आप लगाइए, ठीक है, आप सौरभ लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसी से मिलेगा, SAURABH, है ना? बाकी वहां पे अगर कोई कूपन कोड आपको शो कर रहा हो तो उससे उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा जितना आपको सौरभ कूपन कोड से मिलेगा। ठीक है, तो आप ये कूपन कोड लगाइएगा हर जगह, चाहे आप कोई मॉक टेस्ट लेते हैं या कुछ भी लेते हैं। ठीक है, सौरभ कूपन कोड। चलिए पहला सवाल, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा सा फोकस करिएगा। गौतम मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए आ रहे हैं धीरे धीरे, सभी लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं सेशन को, एक बार लाइक जरूर करते जाइएगा। पहला सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग आसन संतुलन और साम्य बनाए रखने को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम इन द बॉडी? ठीक है, यानी आपके बैठने के तरीके, आपके उठने चलने के तरीके, ठीक है, सारी चीजें, जैसे आप किसी के सामने बैठते हो, चलते हो, अपनी बॉडी में बैलेंस बनाए रखते हो, तो कौन से मस्तिष्क के कारण ये होता है? बिल्कुल डी आंसर करेक्ट आंसर है, अनुमस्तिष्क के कारण होता है, यानी सेरिबेलम के कारण होता है। अगर देखा जाए सेरिबेलम मौजूद कहाँ है, तो ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क के पिछले वाले हिस्से में सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क मौजूद होता है, जिसको अपन हिंड ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हिंड ब्रेन भी इसे कहा जाता है। एक और बात याद रखनी है हिंड ब्रेन से ही,
सेरिबेलम में अगर आप जब दारू पीते हैं यानी जब आप ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक करने पर अगर किसी ब्रेन के हिस्से को असर पड़ता है तो वो किसको असर पड़ता है? सेरिबेलम को असर पड़ता है। तो सवाल ये भी आता है कि जब आप दारू का सेवन करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो कौन सा ब्रेन का पार्ट इफेक्ट होता है? वो होता है सेरिबेलम वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि फिर आप लड़खड़ाने लगते हैं और सही ढंग से चल नहीं पाते। ठीक है, तो सेरिबेलम करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसी को हिंड ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है और ये मानव मस्तिष्क का, ह्यूमन ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। और ये जो सेरिब्रम हिस्सा है जिसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क, है ना, ये आपका लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। लार्जेस्ट पार्ट होता है जो नीला नीला दिख रहा है ना पूरा, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये कहलाता है प्रमस्तिष्क। ठीक है, बहुत ही शानदार। अगले सवाल पे, है ना, अगले सवाल पे चलेंगे। शुभम, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस। बड़ा आसान सा सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है। कौन सा रोग यहाँ पे वायरस से होता है? फटाफट एक बार लाइक करेंगे सेशन को और शेयर कर देंगे, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ जाएं। तो आपका जो वायरस होता है, वायरस से होने वाला यानी विषाणु से होने वाला रोग है, वो है पोलियोमेलाइटिस। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल गिरीश सही आंसर है। पोलियोमेलाइटिस आपका होता है ये किससे? पोलियो वायरस से होता है ना। तो ये वायरल डिसीज है, विषाणु से होने वाला रोग है, पोलियो वायरस से होने वाला ये रोग है। अगर बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया सर हमारा मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, यानी कि आपका प्रजीव गण से होने वाला ये रोग है। किससे होता है ये? आपका प्रजीव गण से होने वाला रोग है, प्रोटोजोआन डिसीज है। ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है। जो वूपिंग कफ है ये आपका किससे होता है? ये भी आपका बैक्टीरिया डिसीज है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और रिंग वॉर्म जो है ये वॉर्म डिसीज होता है ना, रिंग वॉर्म आपका वॉर्म डिसीज होता है। ठीक है, वूपिंग कफ बैक्टीरिया से होता है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, यहां तक क्लियर है सभी को? बहुत ही बढ़िया, पोलियो करेक्ट आंसर है। विच ऑफ दीज डिसीजेस कॉजेस डेंगू, है ना, इनमें से किसके कारण डेंगू रोग होता है बताइए। बड़ा अच्छा सवाल है, डेंगू किसके काटने से होता है? हमें पता है मच्छर के काटने से डेंगू भी हुआ करता है, लेकिन कौन सा मच्छर काटता है तो हमें डेंगू हुआ करता है। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है, बताइएगा। अगला सवाल, तीसरा सवाल, लाइक जरूर करते रहिएगा। बिल्कुल शुभम, ए ऑप्शन फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्क्यूटो, मादा एडीज इजिप्टी। पूरा नाम क्या है इसका? एडीज इजिप्टी मॉस्क्यूटो। अगर पूरा नाम देखें तो आपका एडीज इजिप्टी मॉस्क्यूटो के काटने से होता है, और ये मादा मच्छर होता है यानी फीमेल एडीज इजिप्टी होता है, और इससे क्या होता है? डेंगू। इससे क्या होता है? आपका डेंगू फीवर होता है। और एक और याद रखिएगा, जो फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो है इसके काटने से मलेरिया रोग होता है। क्या होता है? मलेरिया रोग आपका होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना। और एक और मच्छर होता है क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मच्छर होता है, याद रखिएगा, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। इससे एलिफेंटियासिस रोग होता है। कौन सा होता है? हाथी पांव रोग होता है ना। इस मच्छर के काटने से एलिफेंटियासिस रोग यानी हाथी पांव रोग होता है, हाथी पांव रोग आपका होता है। ठीक है, एलिफेंटियासिस क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। तो ये तीनों मच्छर के नाम याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। ये देख सकते हैं यहाँ पे डेंगू का थोड़ा सा, यहाँ पे आपको होता क्या है अगर डेंगू होता है तो? आपकी आंखों में दर्द होता है, हेडेक होता है, और आपको ज्यादा बुखार होती है, हड्डियों में दर्द होता है, आपको उल्टी होती है, आपके जोड़ों में दर्द होता है, और इसी कारण से हम डेंगू के बुखार को ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। ब्रेक बोन फीवर यानी क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि आपके हड्डियों में, शरीर में बहुत ज्यादा दर्द आपके महसूस होगा, है ना, और आपका सर दर्द करेगा, आंख दर्द करेगा, जोड़े दर्द करेंगे शरीर में, है ना, हड्डियां दर्द करेंगी, तो आपको लगेगा किसी ने पीटा है मेरे को जम के। तो ब्रेक बोन फीवर इसीलिए डेंगू को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि व्हाट इज द प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ? पादप कोशिका भित्त मुख्य रूप से किससे बनी होती है, ये आपको बताना है। चलो अथर्व, बहुत ही बढ़िया, चलिए। हाँ मेरे भाई, सभी टाइगर मॉस्क्यूटोज हैं। ठीक है, चलो, गुड इवनिंग योगेश, आ जाओ यार, अगले सवाल पे चलते हैं। राधे राधे, सी ऑप्शन सेल्यूलोज। बिल्कुल बड़ा आसान सा सवाल है, प्लांट सेल वॉल आर मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। जो पादप कोशिका भित्त होती है वो मुख्य रूप से किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, और एक और याद रखना है
कि जो सेल वॉल है यानी कोशिका भित्त है ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है ना, यानी कि पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है ना, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, केवल एनिमल सेल में डायरेक्ट क्या होती है, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कैनिस वुल्पस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, कैनिस वुल्पस किसका वैज्ञानिक नाम है, कैनिस वुल्पस किसका वैज्ञानिक नाम है, फटाफट बता दो, कैनिस वुल्पस कुत्ते का, भेड़िए का, लोमड़ी का या लकड़बग्घे का, है ना। देखिए मैंने बोला था आपको, कल भी क्लास में बताया था आपको, साइंटिफिक नेम याद रखने हैं, वैज्ञानिक नाम याद रखने हैं, जैसे जो पालतू जानवर होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, और जो आपके फल होते हैं, है ना, और जो आपकी कुछ सब्जियां हैं, उन सबको याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैनिस वुल्पस ये आपका लोमड़ी हो जाएगा, है ना, फॉक्स का ये क्या होता है, साइंटिफिक नेम यहाँ पे हुआ करता है कैनिस वुल्पस। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, कैनिस वुल्पस आपका लोमड़ी का साइंटिफिक नेम होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः उत्पन्न कर सकता है, बताइए। अगला सवाल है, मानव शरीर का एकमात्र अंग क्या होता है जो रीजनरेट होता है, पुनः उत्पन्न हो सकता है ना, कैनिस वुल्पस आपका लोमड़ी के लिए होता है ना, फॉक्स के लिए होता है। चलिए, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः उत्पन्न कर सकता है, इकलौता एक ऐसा अंग होता है, क्या होता है, बिल्कुल लीवर, बहुत ही शानदार, करेक्ट आंसर है, आप लोग सही कर रहे हो, लीवर आपका करेक्ट आंसर है। तभी लोग क्या होते हैं ना, लीवर का डोनेशन करते हैं ना, कोई लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि उन्होंने अपना क्या किया, लीवर का कुछ भाग काट करके दे दिया, या उन्होंने दान किया, क्यों दान किया, क्योंकि यही कारण है कि ये दोबारा से क्या हो जाता है, पुनः उत्पन्न आपका हो जाता है। एक और याद चीज रखिएगा, लीवर क्या होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और ये वाम स्त्रावी ग्रंथि है, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम्स का श्रावण करते हैं, यानी वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ना कि हार्मोन, सारी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन का श्रावण करती हैं। क्लियर है यहां तक, सभी को समझ में आया, लीवर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखेंगे अगर कि लीवर मौजूद कहाँ पे होता है, तो आपके चेस्ट कैविटी यानी जो हड्डियां होती हैं, है ना, यहाँ पे इसके अंदर ये लाल कलर का आप देख पा रहे हैं ना, ये लीवर है आपका, है ना, त्रिकोणीय आकार का ये अंग है, आपके शरीर के अंदर के अंगों के इंटरनल इंटरनल ऑर्गन्स में सबसे बड़ा ये क्या होता है, आपका ऑर्गन होता है ना, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी होता है। इंटरनल क्यों बोल रहा हूं मैं, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लार्जेस्ट ऑर्गन शरीर का सबसे बड़ा अंग आपकी त्वचा यानी स्किन हुआ करती है, लेकिन त्वचा हमारे शरीर में ऊपर हुआ करती है। अगर मैं बात करूं अंदर की, तो अंदर सबसे बड़ा इंटीरियर में इंटरनल ऑर्गन सबसे बड़ा लीवर आपका होता है, त्रिकोणीय आपका ट्रेंगुलर शेप का ये ऑर्गन होता है। क्लियर है यहाँ पे, बहुत ही शानदार। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द मैराइन एनवायरनमेंट, समुद्री पर्यावरण में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है, जैसे देखिए जमीन में, है ना, यानी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, जमीनी वातावरण में प्राथमिक उत्पादक क्या होती है, घास होता है, या आपके छोटे छोटे सर्प्स और हब्स होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यह बताना है कि जो समुद्री पर्यावरण है उसमें प्राथमिक उत्पादक कौन है, यानी जो फूड चेन है, फूड चेन में सबसे पहले कौन आया करता है। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, फूड चेन में सबसे पहले कौन आता है, तो उसे बोलते हैं सर पादप प्लवक, यानी फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं। ठीक है, फूड चेन में सबसे पहले वही आता है, याद रखिएगा आज से, मैं बता रहा हूं कैसे याद रखना है, कि सबसे पहले प्राथमिक उत्पादक प्राइमरी प्रोड्यूसर वही होगा जो स्वपोषी हो, जो स्वपोषी हो यानी कि ऑटोट्रॉपिक हो, क्या हो, ऑटोट्रॉफ हो, यानी कि वो आपका स्वपोषी हो, अपना भोजन खुद ब खुद बनाता हो। और ये कौन करता है, पेड़ पौधे करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से, और फाइटोप्लैंक्टन्स करते हैं सूरज की ऊर्जा से। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, एक तरह से समुद्री पौधे मान लीजिए, समुद्री पौधों को फाइटोप्लैंक्टन्स मान लीजिए, जो सूरज से अपना भोजन का निर्माण करते हैं, और ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप यानी स्वपोषी होते हैं। इनको कौन खाता है, हर्बीवोरस कंज्यूमर्स खाते हैं, जैसे जू प्लैंक्टन्स। फिर फर्स्ट लेवल के कंज्यूमर्स आते हैं, जैसे कि क्रस्टेशियंस फैमिली। फिर सेकंड लेवल आते हैं बड़ी मछलियां। फिर थर्ड लेवल आते हैं आपका कार्निवोरस कंज्यूमर्स, स्क्विड वगैरह। और इस प्रकार से क्या चलता है, आपका पूरा चेन चलता है, समुद्री जीवों में पूरा आपका फूड चेन चला करता है। तो आपको केवल प्राइमरी प्रोड्यूसर याद रखना है, वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स और सीवीड, जो अपना भोजन
खुद ब खुद बनाते हैं। क्लियर है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार, अगले सवाल पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? बता दो, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव या ए बी पॉजिटिव? तो ये तो जग जाहिर है, कीनिया युगांडा तक के बच्चे ये सवाल का आंसर कर देते हैं। और आपका क्या हो जाएगा, ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। क्या होता है ये, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यानी क्या करता है ये, किसी से भी कोई भी ब्लड ग्रुप ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। एक और बात याद रखिएगा, आपको याद रखना है ए ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, इसका जो खोज किया था ठीक है, और इसके बारे में जो पता लगाया था वो साइंटिस्ट कौन थे, कार्ल लैंड स्टीनर, है ना, कार्ल लैंड स्टीनर नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्हें फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है, यानी कि आपका रक्त समूह के पिता के नाम से इनको जाना जाता है, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कहा जाता है कार्ल लैंड स्टीनर को। लेकिन आपको क्या एक चीज याद रखनी है, वो एक चीज ये याद रखनी है कि आपका बिल्कुल ओ निगेटिव भी ब्लड ग्रुप होता है, और आपको याद रखना है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है ना, इसका खोज किसने करा था, तो इन्हीं के दो छात्र थे, डी कास्टेलो एंड स्टर्ल, ठीक है, याद रखिएगा, डी कास्टेलो एंड स्टर्ल, ये दो आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप का पता लगाया था, ठीक है। तो सारे ब्लड ग्रुप का पता कार्ल लैंड स्टीनर ने नहीं लगाया था, केवल तीन ब्लड ग्रुप का लगाया था, ए बी एंड ओ, ठीक है, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। फिर उन्हीं के छात्र डी कास्टेलो एंड स्टरल ने ए बी ब्लड ग्रुप का पता लगाया था, ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी और आप जल्दीबाजी में कार्ल लैंड स्टीनर को लगा के चले आते हो और आंसर गलत हो जाता है ना वहां पे। चलिए, मैं भी ओ पॉजिटिव हूं, मैं भी ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हूं, है ना, ओ पॉजिटिव वालों की भरमार पड़ी है। चलिए, त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज, है ना, हमारी त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस या टिश्यूज या हाइपोडर्मिस, कौन सी होती है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े, क्या होता है आउटर मोस्ट लेयर, हाँ आउटर मोस्ट लेयर आपकी कौन सी होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस लेयर, ठीक है, अधिचर्म जिसे कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रमोद मेरे भाई वेलकम। चलिए, तो क्या उगता है, एपिडर्मिस आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिचर्म देखिए, ये सबसे ऊपर वाली परत होती है ना, अधिचर्म ये देख सकते हैं, ये है ना सबसे ऊपर वाली, हमारे चमड़ी में सबसे ऊपर वाली परत। फिर जो बीच वाला भाग होता है इसे क्या कहते हैं, डर्मिस, इसे क्या बोलते हैं, डर्मिस, और उसके नीचे ये वाला भाग होता है हाइपोडर्मिस, क्या होता है, हाइपोडर्मिस, है ना। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड नंबर का लेयर होता है हमारी स्किन में। अब एक और बात याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछता है कि हेयर कहाँ से ग्रो होता है, ठीक है, मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि किस तरह पेपर में आते हैं। कई बार आपसे पूछेगा हेयर कहाँ से ग्रो होता है, तो डर्मिस वाली लेयर से हेयर ग्रो हुआ करता है, यानी सेकंड लेयर से हमारी बॉडी में क्या होता है, हेयर ग्रो आपका होता है ना, हेयर ग्रो सेकंड लेयर से होता है। फिर इसके बाद कई बार पूछता है कि ऑर्गन्स, जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो कहाँ से ग्रो होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो अंदर के आपके अंग हैं, है ना, आंतरिक अंग हैं शरीर के, वो कहाँ से ग्रो होते हैं, तो इंटरनल ऑर्गन्स तीसरी लेयर से, थर्ड लेयर से ग्रो हुआ करते हैं, यानी कि हाइपोडर्मिस वाले लेयर से ग्रो हुआ करते हैं। क्लियर है, तो आंतरिक अंग सारे तीसरी लेयर से ग्रो होते हैं, क्योंकि वो सब अंदर की तरफ होते हैं ना, सब अंदर की तरफ होते हैं, और हेयर आपका जो है वो दूसरी लेयर से ग्रो होता है। और एक और चीज, एक और सवाल आपसे पूछता है, स्वेट ग्लैंड आपका कहाँ पे मौजूद होता है, जिससे पसीना निकलता है ना, देखिए ये आपके नलिका है और यहाँ पे क्या आता है, फिर आपको पसीना आया करता है, तो जो आपकी स्वेट ग्लैंड होती है ना, वो भी दूसरी परत में हुआ करती है। स्वेट ग्लैंड पसीने की ग्रंथि, एक बाम्य स्त्रावी ग्रंथि होती है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड बाम्य स्त्रावी ग्रंथि जिससे पसीना निकलता है, वो भी सेकंड लेयर में मौजूद होती है, डर्मिस में ही मौजूद होती है। क्लियर है यहां तक, सभी को समझ में आया? नौवां सवाल, बहुत सारी चीजें बताया हूं एक ही सवाल में, चार छह सवाल आपको बता दिया हूं। अगले सवाल पे चलते हैं। आंख और बाहरी सफेद भाग जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है क्या कहलाता है? आंख का द आउटर व्हाइट पार्ट ऑफ द आई दैट प्रोटेक्ट्स द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द आई, ठीक है, जो आपकी आंख में सफेद सफेद दिखता है ना, आपकी आंख में काला काला यहाँ पे बीच में कॉर्निया रहता है, ठीक है, उसके बाहर आप देखते हो सफेद कलर का जो भाग दिखता है, उसको क्या बोला जाता है आंख में, क्या बोला जाता है उसको आंख में?
चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरिस स्क्लेरा रेटिना या कॉर्निया, क्या बोला जाता है उसको? तो देखिएगा, इसको बोला जाता है स्क्लेरा। क्या होगा करेक्ट आंसर आपका? स्क्लेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। माफ करिएगा एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, एक चीज गलत जगह फिगर आपका चला गया है। इस फिगर को यहां से उठा के आपको यहां पे दिखाने लायक है ना। चलिए, आप सभी के सामने एक फिगर आया होगा, और इस फिगर में आप देखिएगा, आई एनाटॉमी में, आई एनाटॉमी में देखिएगा, ये देखिए सफेद वाला भाग यहाँ पे दिख रहा है, स्क्लेरा है ना, श्वेत पटल जिसे कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन सभी का करेक्ट आंसर है ना, श्वेत पटल इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, आई एनाटॉमी में आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल है, दीज वेव्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम, है ना। निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचारित नहीं किया जा सकता? यहाँ पे यार थोड़ा सा कुछ गलती हुई है ना, 11th क्वेश्चन में यहाँ पे। चलिए कोई नहीं, लास्ट सवाल ही रिपीट हो गया है। चलिए तो क्या होगा, दीज वेव्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम, कौन सी तरंगे निर्वात के माध्यम से संचारित नहीं की जा सकती? तो आपको पता है बहुत ही आसान है, साउंड वेव, है ना, साउंड वेव, क्योंकि इनको माध्यम की आवश्यकता होती है। कल भी मैंने पढ़ा था, ये थोड़ा सा 11th क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया है। यहाँ पे एक बायोलॉजी का क्वेश्चन होना चाहिए था, मुझे नहीं पता वो कैसे हट गया, है ना। तो ध्वनि तरंगे आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, कल भी बताया था, लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, और सभी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को मीडियम यानी कि एक माध्यम की आवश्यकता होती है संचारित करने के लिए, ठीक है, प्रपगेट करने के लिए। तो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड साउंड इज अ एग्जांपल ऑफ दैट। क्लियर, यहां तक क्लियर है सभी को? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। एक बार जरूर वीडियो को लाइक वाइक करते रहना, है ना, लाइक करते रहना और थोड़ा शेयर करते रहना वीडियो को। अगले सवाल पे चलते हैं, 12वां सवाल। चलिए यहां से थोड़ा सा फिजिक्स के अपने सवाल स्टार्ट हो गए, अब फोकस करिएगा, ठीक है। अपन हर दिन तीनों करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के सवाल खत्म, अभी थोड़ा फिजिक्स की तरफ चलते हैं। When a body falls freely under gravity, then work done by the gravity is, जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत आता है तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कितना होता है ना। गौतम मेरे भाई, अभी भी आप निगेटिव करोगे, कैसे चलेगा फिर काम, है ना। लक्ष्मण बहुत ही बढ़िया, जो है जो नहीं, जीरो भी नहीं होगा, है ना, जीरो भी नहीं होगा, गलत है आंसर। आंसर होगा पॉजिटिव, सकारात्मक वर्क डन होगा, है ना। जब भी कोई बॉडी ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत आता है तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य सकारात्मक होता है। मैंने बोला है जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से गिरता है, देखिएगा ये है हमारी पृथ्वी, मैंने हजार बार बताया है फिर भी आप लोग कैसे गलत कर रहे हो, ठीक है। देखिए ये कोई पिंड है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, कोई बॉडी है, ठीक है, ये क्या कर रही है, नीचे गिर रही है। मैंने बोला वर्क डन होता कितना है, वर्क डन होता है एफ डी कॉस थीटा, और मैंने बोला है कि थीटा क्या होता है सर, थीटा होता है वर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच का बनने वाला एंगल, वर्क और सॉरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का बनने वाला एंगल क्या होता है, थीटा होता है। अब जब कोई बॉडी नीचे गिर रही है तो ये बताओ जो हमारी अर्थ है वो उसको किधर अट्रैक्ट कर रही है, फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स उसमें नीचे की तरफ लग रहा है। भाई वो बॉडी नीचे गिर क्यों रही है, वो बॉडी नीचे गिर क्यों रही है, क्योंकि उसमें फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। कौन ये फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स ये अर्थ लगा रही है, तो वो नीचे की तरफ गिर रही है बॉडी। क्लियर है, अच्छा नीचे की तरफ गिर रही है तो बॉडी मूव किधर कर रही है, बॉडी मूव भी नीचे की तरफ कर रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन भी नीचे की तरफ है। तो जब आपका बल यानी फोर्स भी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, तो ये बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का बनने वाला एंगल कितना है सर, 0 डिग्री है। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो बनने वाला एंगल अगर 0 है तो कॉस 0 कितना होता है सर, कॉस 0 + 1 के बराबर होता है। यानी वर्क डन कितना आएगा, प्लस एफ डी आएगा, कितना आएगा, प्लस एफ डी आएगा, यानी कि कितना है आपका, पॉजिटिव है। और संदीप और प्रमोद तुम लोग को तो मैंने ये हजार बार पढ़ाया फिर भी निगेटिव कैसे कर रहे हो आंसर, है क्या करूं तुम्हारा मैं। चलो अगला सवाल, 13वां सवाल, बहुत ही आसान। चलिए चलो बहुत ही बढ़िया, मेरे को याद रहता है मेरी क्लास में कौन कौन मौजूद था, है ना। और तुम लोग गौतम और प्रमोद तुम लोग रोज पढ़ते हो, मैं बता रहा हूं, मैं स्क्रीन से निकल करके बता रहा हूं, बहुत गुस्सा लगी है मेरे को तुम्हारा निगेटिव आंसर देख करके, ऐसा लग रहा है मेरी मेहनत बेकार हो गई है। चलो
इफ अ कॉपर वायर इज इंक्रीज टू डबल इट्स लेंथ एंड एरिया इज हाफ्ड इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम, कितना हो जाएगा बता दो। यदि किसी कॉपर की तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है ना, और उसके क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाता है। देखो जैसे ये मान लो कॉपर का तार है, ठीक है, ये कॉपर का तार है। अब क्या किया गया, इस कॉपर के तार को मान लो इसकी लंबाई एल थी और इसका जो क्षेत्रफल था है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो ए था। फिर क्या बोला, इस तार की लंबाई को डबल कर दिया गया, ठीक है। अब ये तार की लंबाई को क्या किया गया, दोगुना कर दिया गया है ना, और इसका जो क्षेत्रफल है इसको घटा के ए बटे दो आधा कर दिया गया। तो बताइए प्रतिरोध में कितना अंतर आएगा, है ना, कितना आएगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखिएगा, बात समझिएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, रो एल अपॉन ए होता है, जहां पे रो क्या होता है, प्रतिरोधकता, यानी कि आपका रेजिस्टिविटी कहलाता है, जो कि मटेरियल पे डिपेंड करता है। रो क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी, जो कि मटेरियल पे डिपेंड करता है, और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेंथ आपकी ट्वाइस हो गई और एरिया ए बाई टू हो गया, और ये टू ऊपर चला जाएगा तो कितना बनेगा, फोर रो एल अपॉन ए, यानी फोर आर के बराबर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, फोर टाइम्स हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है यहां तक, फोर टाइम्स करेक्ट आंसर है सभी लोगों का, बहुत ही शानदार, फोर टाइम्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ही शानदार आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 14th क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा आप कैसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ट्रिक पहले भी बताई है और अभी भी एक बार बता देता हूं कि किन विद्युत चुंबकीय विकरणों की सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य आपकी होती है, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज या गामा रेज, कौन सी किरणों की है ना, कौन सी रेडिएशन की स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है। सभी का डी आंसर बिल्कुल गामा किरण आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि गामा रेज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताया था, आपको याद रखना है आर एम आई भी यू एक्स और वाई, ये मैंने बताया था, और मैंने बोला था नीचे से ऊपर इसको पढ़ना है आर एम आई वी यू एक्स वाई चार बार, और याद हो जाएगा। आर से आपका होता है रेडियो वेव, यानी रेडियो तरंगे, एम से होता है माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगे, और फिर आई से होता है इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रारेड रेडिएशन, वी से होता है विजिबल लाइट, वी से विजिबल लाइट, यू से पराबैंगनी तरंगे यानी अल्ट्रावायलेट तरंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी पराबैंगनी, एक्स किरण, एक्स रे से होता है, और वाई से गामा, गामा वाई की तरह दिखता है, तो वाई से आपका गामा रेज हो जाएगा, है ना, वाई की तरह गामा दिखता है। अब याद कैसे रखना है, याद ये रखना है कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ ऊपर से जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति बढ़ेगी, और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव का होता है, सबसे ज्यादा अगर बात करें कि वेवलेंथ किसका होता है तो रेडियो वेव का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, और गामा रेज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हुआ करती है, क्या होती है, सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। तो नीचे से ऊपर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ऊपर से नीचे वेवलेंथ बढ़ती है, आर एम आई वी यू एक्स वाई, कम से कम चार पांच बार आपको ये बोलना है, ठीक है। चलिए क्लियर है, गामा रेज से हल्क बनता है, चलो बहुत ही बढ़िया। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर इज कॉल्ड, कम तापमान मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है, बताइए। अगला सवाल है कि कम तापमान मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है, डायगोमीटर, क्रायोमीटर, क्रोमोमीटर या साइमोमीटर, क्या बोलते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपके सामने ये उपकरण भी आ चुका है, और इसको क्या बोलते हैं, क्रायोमीटर इसको बोला जाता है ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने, क्रायोमीटर, ये इस प्रकार का कुछ दिखा करता है उपकरण, और इसमें बहुत ही कम तापमान नापा जाता है, ठीक है। चलिए, नहीं यार क्रायोमीटर थोड़ी कहते हैं, क्रोमोमीटर ही कहते हैं ना, क्रोमोमीटर, क्रायो नहीं है, क्रायो नहीं है, क्रायो नहीं है, माफ करिएगा, सॉरी, क्रायो से शायद हाई ज्यादा तापमान आपके, क्रोमोमीटर होगा, है ना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, लो टेम्परेचर आपका क्रोमोमीटर से नापा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है ना, बी नहीं है, क्रोमोमीटर करेक्ट आंसर है ना, क्रोमोमीटर है, क्रायो नहीं है, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे, 16th क्वेश्चन, क्रोमोमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यंग्स मॉडुलस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यंग्स मॉडुलस, बताइए।
व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यंग्स मॉडुलस, क्या हो जाएगा? रुक जाओ यार, एक बार पीछे वाले का कंप्लीट कर लो ना, पीछे वाला साइनोमीटर क्रोमोमीटर एक बार चेक कर लेना यार, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया, मेरे को भी कंफ्यूज हो गया, एक बार मैं ही चेक कर लेता हूं, तुमको बता देता हूं। हाँ अरे यार सब लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है पहले मैं सही कह रहा था, क्रायोमीटर। चलो ठीक है, क्रोमोमीटर आपका लाइट से रिप्रेजेंट है ना, क्रोमो यहाँ पे लाइट से रिलेटेड है, ये मीटर आपका लाइट से रिलेटेड होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सॉरी। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, सुधार लेंगे, सी नहीं होगा, है ना। तुम लोग भी आधे लोग सी कर रहे हैं, सी होगा सी होगा, सर मैं भी कंफ्यूज हो गया, पहले मैं क्रायोमीटर ही बता रहा था। चलो क्या आदमी हो यार है, चलो कोई नहीं, मेरी भी गलती है, पूरी गलती है मेरी, मैं माफी चाहूंगा। अगला सवाल, फिजिकल क्वांटिटी यंग्स मॉडुलस की ये भौतिक मात्रा की इकाई क्या होती है, बताइए भौतिक मात्रा की इकाई क्या होती है। चलिए, यंग का मापांक, देखिए यंग्स मॉडुलस किसके बराबर होता है, ये आपका होता है यंग्स मॉडुलस, याद रखिएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के किसके बराबर होता है सर, यंग्स मॉडुलस जो होता है ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर, है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर हुआ करता है। अगर इसे दर्शाएं तो यंग्स मॉडुलस को गामा से दर्शाते हैं, स्ट्रेस को सिग्मा से, और एप्साइलन को स्ट्रेन बोला करते हैं, तो ये होता है आपका क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या हुआ होता है, ये परिवर्तन की ही क्या हुआ करता है, मान हुआ करता है, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, लंबाई और एरिया और वॉल्यूम, लेंथ एरिया और वॉल्यूम हो सकता है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, ये होता है स्ट्रेन, मतलब लंबाई में अंतर बटे ओरिजिनल लंबाई, एरिया में अंतर बटे ओरिजिनल एरिया, वॉल्यूम में अंतर बटे ओरिजिनल वॉल्यूम। तो स्ट्रेन डेल्टा एक्स बाई एक्स होता है, यानी ये क्या होता है, ये यूनिट लेस होता है, इसकी कोई इकाई नहीं हुआ करती है, ठीक है। तो एप्साइलन की तो कोई इकाई नहीं होती, यानी यंग्स मॉडुलस की इकाई किसके बराबर हो जाएगी, यंग्स मॉडुलस की जो इकाई होगी वो आपकी किसके बराबर होगी, सिग्मा के बराबर, या आपका स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा, है ना। और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर हुआ करता है, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, यानी यंग्स मॉडुलस की यूनिट क्या हो जाएगी, पास्कल आपकी हो जाएगी, यंग्स मॉडुलस की यूनिट क्या हो जाएगी, पास्कल हो जाएगी, आपसे एसआई यूनिट आपको बताना है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बी ऑप्शन करेक्ट आंसर नहीं होगा, है ना, सभी का गलत आंसर है, बी ऑप्शन नहीं होगा, पास्कल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यंग्स मॉडुलस का, है ना, आपका जो इकाई है वो किसके बराबर होगा, स्ट्रेस के बराबर होगा, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि आपका पास्कल। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। त्रिज्या आर की कक्षा में एक निश्चित ग्रह की परिक्रमण की अवधि टी है, त्रिज्या चार आर की कक्षा में परिक्रमण की अवधि कितनी होगी। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सर्टेन प्लैनेट इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज टी, इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 आर विल बी, कितना होगा। ये आपका सिंपल सा कैपलर का थर्ड लॉ है, कैपलर का थर्ड लॉ है, ये सभी को पता है, और वो क्या होता है कि कोई भी प्लैनेट का जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, यानी परिक्रमण की अवधि है, उसका वर्ग, उसका स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है, उस रेडियस के घन के, यानी रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस के क्यूब के समानुपातिक होता है। ये क्या है, कैपलर का तीसरा नियम कहलाता है, कैपलर्स थर्ड लॉ, क्या कहलाता है ये, कैपलर्स थर्ड लॉ कहलाता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, क्लियर है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो T1 स्क्वायर बटे T2 स्क्वायर, आप इसे लिख सकते हैं R1 क्यूब बटे R2 क्यूब, ये लिख सकते हैं। अच्छा फिर इसके बाद क्या है कि बोल रहा है, त्रिज्या आर की कक्षा में एक निश्चित ग्रह की परिक्रमण अवधि टी है, तो यहाँ पे अगर टी है और आपको T2 क्यूब निकालना है ना, और 4R अगर कर दिया जाए, यानी 4R का क्यूब अगर कर दिया जाए और ऊपर आर क्यूब कर दिया जाए, तो यहाँ पे T2 स्क्वायर किसके बराबर आएगा, T2 स्क्वायर तुम्हारा किसके बराबर आएगा, 64 के बराबर आएगा, T2 स्क्वायर किसके बराबर आएगा तुम्हारा,
64 t के बराबर आएगा t स्क्वायर के, ठीक है। तो यहां से t2 कितना हो जाएगा, 8 t के बराबर हो जाएगा। t2 किसके बराबर आएगा, 8 t के बराबर आएगा, यानी 8 टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन तुम्हारा हो जाएगा। ए ऑप्शन सभी का करेक्ट आंसर है ना। बहुत ही बढ़िया प्रमोद और श्रेयस, योगेश, वीर, इंद्रजीत, नहीं मेरे भाई डी ऑप्शन नहीं होगा इंद्रजीत, ए ऑप्शन होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ वाटर स्मेल्स बैड, यहाँ से केमिस्ट्री के सवाल कुछ शुरू हो रहे हैं। यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को खत्म करने के लिए क्या मिलाया जाना चाहिए, क्या चीज ऐड कर दो आप वाटर में, अगर वाटर महक रहा है तो उसमें क्या चीज डाल दो कि उसका जो महक है वो खत्म हो जाए। 18वां सवाल, गट्टू ब्लीच, नहीं डालते गट्टू ब्लीच। लक्ष्मणा, नहीं ब्लीच नहीं होता, एक्टिवेटेड कार्बन करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जब हम उसमें एक्टिवेटेड कार्बन डालते हैं तो सारी इम्प्योरिटीज, सारी बैड इम्प्योरिटीज को ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सारी बैड इम्प्योरिटीज को अवशोषित कर लेता है और इस कारण से वो नहीं महकता, ठीक है ना सुयश मेरे भाई। चलिए सक्रिय चारकोल, एक्टिवेटेड कार्बन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद है यहां तक सभी को, ठीक है। तो ये पानी की दुर्गंध दूर करता है, एक्टिवेटेड चारकोल। अच्छा, अल्कली मेटल्स, क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है, क्षारीय धातुओं का, अल्कली मेटल्स का ग्रुप गुण क्या होता है। ये जो आपका पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का पहला वाला ग्रुप है ना, हेलीना करे रब से फरियाद वाला जो ग्रुप है ना, वो वाला ग्रुप जो है आपका अल्कली मेटल्स का कहलाता है, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो आपके मेटल हैं, ये दो धातुएं हैं अल्कली मेटल कहलाती हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा इजिली लूज इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। इजिली लूज इलेक्ट्रॉन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों सर, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फिक्स होता है ना, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है इन मेटल का, इन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। +1 क्यों होता है, क्योंकि अगर ये जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे तो ये क्या कर लेंगे, नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन इनके पास आ जाएगा, है ना, ये आपका नोबेल गैस की तरह बिहेव करने लगेंगे। इसीलिए ये जल्दी से, इनका टेंडेंसी होती है कि ये फटाक से एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देते हैं। अगर आप किसी आयनिक आयनिक अणु की बात करें, NaCl, ठीक है, NaCl आयोनिक आपका यहाँ पे कंपाउंड है, तो अगर आप इसे तोड़ेंगे तो ये टूटेगा Na++Cl-। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और सोडियम क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। ये जल्दी से अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ले लिया करता है ना, जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, वो ले लिया करता है, ठीक है। तो ये इनकी टेंडेंसी होती है स्टेबिलिटी पाने के लिए, मेन है, मेन काम क्या है, सारा जो जितना भी ये खेल होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट का, इलेक्ट्रॉन देना इलेक्ट्रॉन लेना, ये सब केवल स्टेबिलिटी के लिए होता है कि स्टेबिलिटी कब जा करके मिलेगी, है ना, स्टेबिलिटी कब जा करके मिलेगी, है ना। बहुत ही बढ़िया, अगला सवाल, 20वां सवाल, कोई भी बुक नहीं खरीदना है ना दिव्या, कोई भी बुक नहीं खरीदना है। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप लोग RRB NTPC वाली प्लेलिस्ट मेरी सर्च कर लो, है ना, उसमें मैं ऑलरेडी आपको फिजिक्स कंप्लीट करा चुका हूँ और बायोलॉजी आधे से अधिक कंप्लीट हो गई है। और आज आपकी रात में, मैं एक बार और बता दे रहा हूं, आज रात में 10 PM पे आपका सेल पढ़ाऊंगा, कोशिका, ठीक है, तो याद रखिएगा कोशिका आज का क्लास है ना, रात को 10, मैं डायरेक्ट थ्योरी पढ़ा रहा हूं, तो आप में से जो बच्चे थ्योरी पढ़ना चाहते हैं ना, वो रात के 10 बजे वाली क्लास में रहा करिए इसी चैनल पे, ठीक है। तो आज मिलते हैं रात के 10 बजे कोशिका वाले चैप्टर पे, सेल वाले चैप्टर पे। कोई किताब वगैरह मत पढ़िए, मैं सफिशियंट आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, चैनल पे आप फॉलो करो, बहुत हो जाएगा, है ना, कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। किसी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन में अंतर किससे किया जाता है ना, कोई भी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में अंतर किससे किया जाता है, गाइस बताओ। बिल्कुल इंद्रजीत, इलेक्ट्रो में आपका अल्कली मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन वेरी इजिली, है ना, तो ये कहलाता है स्पिन क्वांटम नंबर, प्रचक्रण क्वांटम संख्या कहलाता है। कोई भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको पता है किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। अगर एक का स्पिन ऊपर की तरफ है तो दूसरे का नीचे की तरफ होना चाहिए, है ना, और ये क्या कहलाता है, स्पिन क्वांटम नंबर कहलाता है, स्पिन क्वांटम नंबर। इसके आधार पर आप अंतर बता सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, एक की स्पिन ऊपर है तो दूसरे की नीचे की तरफ होगी, है ना। चलिए
बायोलॉजी आपकी लगभग लगभग इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएगी, है ना, या तो अगले हफ्ते के 2-3 दिन और लगेंगे, अगले हफ्ते का 2-3 दिन और लगेगा और बायोलॉजी खत्म हो जाएगी, है ना। मिनिमम 6 to 7 क्लास आएंगी और बायोलॉजी आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि 7 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है ना, और 13 से 14 क्लास में बायोलॉजी हो जाएगी, फिर अपन केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और फिजिक्स तो ऑलरेडी कंप्लीट ही है। निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है, आसान सा है, फटाक से बता दो इसका। 21 का कौन सा आपका कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? फेनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड? अभी भी आंसर आ रही यार, 21 का करो ना, 20th क्वेश्चन तो कब का चला गया। क्या होगा आंसर? फेनॉल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फेनॉल, फेनॉल क्या होता है सर? बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप एक ओएच मॉलिक्यूल लगा दीजिए, बेंजीन रिंग ये होती है, बेंजीन रिंग के अगर आप एक ऊपर ओएच फंक्शनल ग्रुप लगा दें, यानी हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप लगा दें, तो ये आपका क्या बन जाता है? फेनॉल। और इसी को कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है, इसी को कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप अगर एक बेंजीन रिंग के ऊपर लगी रहती है तो, है ना। अगला सवाल है, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की पपड़ी यानी ऊपरी सतह पे, है ना, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, जिंक, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या आयरन, क्या पाया जाता है बताइए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, फटाक से अगले सवाल पे चलेंगे, है ना, और लाइक वाइक करते रहिएगा यार, है ना। जितने भी लोग नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे एसएससी को, सॉरी ऑल बोर्ड एसएससी चैनल को, ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी आए इन क्लासेस की, और जरूर लाइक वाइक करिएगा, है ना। अगला सवाल होगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका? एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया है, हमारी अर्थ क्रस्ट में 8.1%, ये भी याद रखना है परसेंटेज, हमारी अर्थ क्रस्ट में 8.1% क्या है? एल्यूमिनियम। फिर सेकंड नंबर पे आपका क्या है? आयरन है, आयरन कितना है? 5% है हमारी अर्थ क्रस्ट में। और फिर है आपका कैल्शियम थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे कैल्शियम कितना है? 3.6% के करीब कैल्शियम है, तो इनका परसेंटेज कंसंट्रेशन भी याद रखना है ना। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल एल्यूमिनियम 8.1%, फिर आयरन है 5%, फिर कैल्शियम है 3.6%, ठीक है, तो तीनों याद रखना, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम गिव्स द नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? बता दो आंसर, बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम गिव्स द नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, किस चीज की पता चलती है? 23rd का डी ऑप्शन, सूर्यास मेरे भाई, बी ऑप्शन आप कर रहे हो, प्रोटॉन। देखो प्रोटॉन पता चलेगा तो इलेक्ट्रॉन भी पता चलेगा ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन ही किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है ना। तो अगर आपका, वैसे कभी भी डी ऑप्शन नहीं आएगा, तो अगर अगर आपका केवल इलेक्ट्रॉन लिखा होता ना, केवल अगर इलेक्ट्रॉन लिखा होता तब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है ना, यहाँ पे डी ऑप्शन में। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक ही ऑप्शन में लिखा है तो आप उसी को सही करना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हमेशा बराबर होता है, ठीक है। और मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं कि आपका क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है ना, तो 17 से आपको क्या पता चलता है? यहां से ये पता चलता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, है ना, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चल जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला सवाल है, नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया कहलाती है? नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग व्हाट? नाइट्रोजन इंटू नाइट्रेट, नाइट्रोजन इंटू नाइट्राइट, अमोनिया इंटू नाइट्राइट या अमोनिया इंटू नाइट्रोजन, क्या होगा बताओ, फटाफट बताओ। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया कहलाती है? तो आंसर क्या होगा? अमोनिया इंटू नाइट्राइट, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमोनिया इंटू नाइट्राइट। जो आपका अमोनिया मौजूद होता है ना, अमोनियम आयन NH4+ आयन, है ना, जो अमोनिया से बनता है NH4+ आयन, जो सॉयल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है,
सॉइल में आपको पता होता है नाइट्रिफिकेशन के लिए बैक्टीरिया मौजूद होती है। पहली बात, ये बैक्टीरिया का नाम क्या है ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बैक्टीरिया का नाम मुझे बताओ कि कौन सी बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन में आपका हेल्प किया करती है, और ये बैक्टीरिया की मदद से ये किस में टूटता है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में, यानी NO2- में एंड NO3- में टूटा करता है अमोनियम आयन, ठीक है। ये आपका इसमें बना करता है NO2, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनता है, जो कि एक तरह से बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, है ना, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। चलिए, क्लियर है यहां तक? यहां तक सभी को क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25वां सवाल, ठीक नेम द गैस यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, राइजोबियम बैक्टीरिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। राइजोबियम, या ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम है राइजोबियम, है ना, इसको राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रिफिकेशन में इस्तेमाल होती है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये भी बायोलॉजी का एक सवाल बनता है आपका, राइजोबियम बैक्टीरिया करेक्ट आंसर होगा। विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त तो होने वाली गैस कौन सी है, ये मैंने बताया, ये है ना क्लोरीन, बहुत ही बढ़िया आशीष, बहुत ही बढ़िया गौतम, है ना सुयस, आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्लोरीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, पहली बात, जो विरंजन चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर है, सवाल अब मैं देखिएगा, दो चार चीजें बताऊंगा आपको, बनता किससे है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है सर, ये एक बेस है यानी क्षार है, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो कई बार अगर पूछे कि ब्लीचिंग पाउडर बनता किससे है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस आपकी पास की जाती है तो ये किसमें बदलता है, CaOCl का होल ट्वाइस, जो कहलाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और बनता है वाटर, क्या बनता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, जिसे आप क्या कहते हो, ब्लीचिंग पाउडर कहते हो, क्या कहते हो, इसी को आप ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हो, और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसी को बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, अगर नाम देखें कि क्या है तो कैल्शियम हाइपो क्लोराइड के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है, तो किससे बनता है ये भी याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कौन सी गैस होती है, तो क्लोरीन गैस की मदद से बनता है, और इसका नाम क्या है, नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से इसे जानते हैं। तो ठीक है, तीन चार सवाल यहाँ से आपके बन सकते हैं, क्लियर है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो यहीं पे समापन समारोह रखते हैं आज का, है ना, 25 सवाल का डेली डोज यहीं पे कंप्लीट होता है। आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप साइंस बाई सौरभ सर में जरूर ज्वाइन करिएगा, साइंस बाई सौरभ सर ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इस पे ज्वाइन करिएगा, सारी क्लासेस की PDF यहीं पे मिलेंगी, और सारे मॉक टेस्ट अभी आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह देना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में 1 महीने बचे हैं, और अगर कोविड की सिचुएशन डाउन हो गई तो पेपर टाइम पे हो जाएगा, है ना। तो अभी मॉक टेस्ट आप लोग लगाना शुरू कर दीजिए फटाफट, ठीक है, और मॉक टेस्ट आपको लगाने में जब भी खरीदोगे तो सौरभ कूपन कोड का यूज कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट इसी में मिलेगा, है ना, वहां पे जो मॉक टेस्ट में आपको शो करेगा ना कोई भी कूपन कोड, उसमें इतना डिस्काउंट नहीं रहता, फैकल्टी कूपन कोड पे बहुत ज्यादा रहता है, तो आप सौरभ यूज कर लेना, ठीक है। चलिए, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, कैसी रही, है ना, और उम्मीद करता हूँ सभी को मजा आया होगा, तो क्लास में रोज बने रहा करिए, ठीक है, और थैंक यू मैरी प्रमोद, बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों को, मेरे भाइयों को धन्यवाद। रात के 10 बजे मिलते हैं सेल वाली क्लास में, तो जो बच्चे, यार देखो ये भेदभाव मत किया करो कि हम SSC के हैं तो हम रेलवे की क्लास में नहीं जाएंगे, साइंस नहीं बदल जाएगी, मेरे पढ़ाने का तरीका नहीं बदलेगा, तो मैं आज पढ़ाऊंगा आपका क्या, सेल, रात के 10 बजे, ठीक है, तो याद रखिएगा 10 बजे वाली क्लास में सभी लोग रहिएगा, ठीक है। रेलवे की क्लास चलेगी आपकी, क्या चलेगा वहां पे, सेल पढ़ाऊंगा, कोशिका थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो सभी लोग आ जाना उस क्लास में, ठीक है, बढ़िया क्लास होने वाली है, मजा आ जाएगा तुम्हें, चलो टेक केयर, बाय बाय।